रईज़ असलमकुम मद्दान बशीर आप देख रहे हैं पीके सॉफ्टवेयर पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह आप लिस्ट व्यू के अंदर डेटा शो करवा सकते हैं और उसके ऊपर हमने क्लिक करके भी देखा था कि किसी भी आइटम के ऊपर आप क्लिक करें तो वो किस तरह जो है ना आ, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह डेटा जो है ना आप लिस्ट व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं और किसी भी आइटम पर क्लिक करके आप कैसे उसका डेटा जो है ना वो गेट कर सकते हैं और किस तरह उसको नोटिफाई करवा सकते हैं कि यूज़र ने कौन से आइटम के ऊपर क्लिक किया है आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रिसाइकलर व्यू क्या होता है अब देखिए एंड्रॉयड व्यू और रिसाइकुलर व्यू के अंदर फ़र्क ये होता है कि लिस्ट व्यू जो है ना सॉरी एंड्रॉयड व्यू में कह रहा था लिस्ट व्यू में जो है ना उसमें और रिसाकलर व्यू के अंदर क्या फ़र्क होता है रिसाइकलर व्यू ये लेटेस्ट चीज़ है लिस्ट व्यू एक पुरानी चीज़ है तो नई चीज़ के अंदर इन्होंने अपडेट ये किया एंड्रॉय एंड्रॉयड में अपडेट ये आई है कि लिस्ट व्यू के अंदर जब भी आप कुछ डेटा भेजते हैं तो वो सारे के सारा डेटा जो है ना वो उसके अंदर एक ही बार में लोड हो जाता है ठीक है तो उसके लिए आपके पास पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चार पांच आइटम्स थे हमारे पास लेकिन इन केस आपके पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर जो है ना वो आइटम्स हो तो उसको आप जब एक ही बार में लोड करेंगे तो वो सारे का सारा जो है ना आपकी एप्लीकेशन को स्लो कर देगा उसके प्रोसेस सारे स्लो कर देगा तो उस चीज़ से बचने के लिए आप रिसाइकल रिव्यू यूज़ करते हो रिसाइकिल रिव्यू में होता क्या है रिसाइल रिव्यू में होता यह है कि आपके जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल डाटा होता है ना पांच आइटम्स हैं या दस आइटम हैं या आठ आइटम हैं जितने भी हैं जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल है ना सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के जो सिस्टम है वही उसके ऊपर लोड करता है ऊपर वाली जो गुजर गई हैं यानी आपने जब स्क्रॉल किया तो जो ऊपर गई हैं वो वाली और जो नीचे रह गई हैं वो वाली वो सारी की सारी स्किप हो जाती हैं वो लोड नहीं हो रही होती तो जैसे ही आप ऊपर करते हैं तो वो फ़ौर ही अपलो लोड हो जाती है आपके व्यू के अंदर तो उसको यूज़ किस तरह करते हैं चलें आप इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने करना क्या है आपने यहाँ पर आना है व्यू के अंदर जैसे हमने लिस्ट व्यू लगाया था आ, बिल्कुल वैसे ही चीज़ होती है रिसाइकल व्यू उसमें सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है कि आप यहाँ पर आके रिसाइकलर व्यू को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आपके आप क्या डबल क्लिक करते हैं तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो इसकी कोडिंग के अंदर आके यहाँ पर आपने क्या करना है आपने सिम्पल रिसाइकल व्यू लगाना है आपने करना क्या है सिंपल आपने यहाँ पर आना है इसको रिलेटिव लेआउट को ख़त्म कर इसको रिलेटिव लेआउट कर देना है और उसके बाद आपने इसके अंदर आके ये टेक्स्ट व्यू ख़त्म करके उसके अंदर रिसाइकल व्यू लगा देना है रिसाइकल व्यू लगाने के लिए आपने सिंपल रिसाइकल व्यू लिखना है यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर उसकी मैच प्रेंट मैच प्रिंट कर दें जैसे ही मैंने मैच प्रिंट किया तो जैसे हमारे लिस्ट व्यू का शो हो गए थे आइटम्स वैसे ही सेम व्यू के भी शो हो जाते हैं इसको आई दे देते हैं हम इसको कोई भी आई डी आर वी अंडरस्कोर प्रोग्रामिंग और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ अब मेन में आके यहाँ पर रिसाइक व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट बना के उसको फाइन व्यू बाई आई करके यहाँ पर डेटा ले, ले लेते हैं हम रिसाइकल व्यू नीचे आते हैं यहाँ पर उसको जो है ना इनिशलाइज करवा देते हैं रिसाइटर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डॉट आर वीडरस्कोर प्रोग्रामिंग हमारी आई इसको निचलाइज होगी अब इसमें लिस्ट व्यू में जैसे हमने किया था इससे थोड़ी सी चीज़ जो है ना यहाँ पर डिफरेंट है लिस्ट व्यू में तो हम जो है ना वो बिल्ट इन जो लेआउट था वो हम उसमें लगा लेते थे लेकिन इस केस के अंदर हमें कस्टम लेआउट बनाना पड़ता है तो कस्टम लेआउट बनाने के लिए हम करेंगे ये कि यहाँ पर आके एक लेआउट के अंदर एक कस्टम लेआउट की फाइल बनाएंगे जिसकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी सिर्फ लेआउट की फाइल होगी इसमें आके यहाँ पर इसको नाम देते हैं आर वी अंडरस्कोर लेआउट यानी कि आर वी मीन रिलेटिव रिसाइकल व्यू रिसाइकल व्यू की लेआउट फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पर और इसको आके ये कंस्टेंट आउट मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको रिलेटिवली आउट कर देते हैं और uh, उसके बाद यहाँ पर आके इसकी हाइट भी ज़रा कम कर देते हैं उसकी वजह यह है कि जब आपका आइटम ये वाला लेआउट जो लोड होगा आपके सेक्रेड व्यू के अंदर तो एक पेज पर एक आइटम आ रही होगी तो इसकी हाइट अगर कम होगी तो वो एक पेज पर मल्टीपल आइटम्स आ सकते हैं इसकी मैं हाइट जो है ना वो फोर्टी डी कर देता हूँ और इसका एक नीचे बॉटम के ऊपर ना एक लाइन शो करवा देते हैं ताकि हर आइटम को जो है ना वो सेपरेट कर सकें हम इसमें हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू सबसे पहले लगाएंगे टेस्ट व्यू रैप कंटेंट रैप कन्टेंट और उसको हम क्या देते हैं कि आई डी उसको दे देते हैं टी वी अंडरस्कोर लैंगवेज एंड इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और एक लाइन लगा देते हैं बॉटम के ऊपर ताकि वो हर लैंग्वेज को जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर सके उन दोनों को ताकि वो जो नहीं नीचे एक लाइन लगा देते हैं ताकि हर लैंग्वेज जो है ना वो सेपरेट हमें दिखाई दे तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा एक व्यू बनाना पड़ेगा व्यू उसको मैच प्रेंट करते हैं और उसकी हेड जो है ना उसमें हम वन डी बी रख देते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं बैकग्राउंड एंड्रॉयड ब्लैक तो इसको मैं क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ इसको अलाइन पेरेंट बॉटम भी कर देते हैं अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू एंड इट अब यहाँ पर देखें तो ये एक लाइन शो हो रही है नीचे ठीक है ऊपर इसमें टेक्स्ट में ऐड करके आपको दिखाता हूँ एक बार टेक्स्ट दिस इज़ ठीक है तो ये हमारा डमी टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है और उसके नीचे यहाँ पर ये यह भी एक भी लाइन भी आ रही है इस टेक्स्ट को हम सेंटर वर्टिकल कर देते हैं थोड़ी सी अच्छी लुक आ जाएगी और मार्जिन लेफ़्ट कर देते हैं ठीक है तो ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ठीक है अब करना क्या है, है हमने हाँ इसमें एक और चीज़ भी होती है इसमें आप इसके अंदर एक बटन भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहो तो तो यहाँ पर आके हम बटन लगाते हैं आ, बटन लगाने के लिए आपको बटन का एक टैग लगाना पड़ेगा और उसको आप वेट से दे दें रैप कंटेंट एंड हाइट भी रैप कंटेंट कर देते हैं हम देख रहे हैं आप उसको अलाइन पेरेंट राइट एंड उसको टेक्स्ट दे देते हैं कोई भी क्लिक एंड uh, उसके बाद उसका टेक्स्ट कलर जो है ना वो हम वाइट कर देते हैं ठीक है गाइज उसको मार्जिन राइट right कर देते हैं थोड़ा सा तो ये इधर शो हो जाएगा ठीक है अब इसको हम आईडी भी दे देते हैं एक बी टी एन क्लिक इस खिला हो गई इसको क्लोज़ किया अब आ जाए मेन फाइल के अंदर ठीक है ये हमारी मेन फाइल आ गई इसके अंदर हमने करना है क्या है हम एक स्ट्रिंग रे बनाएँगे लिस्ट बना लेते हैं बल्कि आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाएगा कि लिस्ट कैसे बनाते हैं हम पिछले लिस्ट व्यू में भी और स्पिनर के अंदर भी हमने देखा है कि एक स्ट्रिंग रे किस तरह बनाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि लिस्ट किस तरह बनाते हैं और लिस्ट के अंदर डेटा ऐड किस तरह करवाते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट बनाए सिंपल लिस्ट यहाँ पर उसको बताएं कि ये लिस्ट किस टाइप की है हम कहेंगे कि स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है तो यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं लैंग्वेज और इसको यहाँ पर इनिशलाइज़ इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा दिया और यहाँ पर आके हम इसको इनिशलाइज़ करेंगे इनिशलाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप सिंपल लैंग इज इक्वल टू न्यू और रेलिस्ट करेंगे पहले हम जो है ना वो स्टिंग करवाते थे क्योंकि हमने लिस्ट बनाई है तो हम इसको रेलिस्ट कर देते हैं यहाँ पर उसके बाद इसके अंदर अब हमने आइटम ऐड करने हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आप सिंपल यहाँ पर लैंग लिखेंगे डॉट ऐड तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो उसके अंदर ऐड होती जाएगी यहाँ पर मैं लिखता हूँ जावा यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पी एच पी C++ ऐसे तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई है अब हमने करना क्या है हमने एक अडाप्टर फ़ाइल बनानी है अडाप्टर फाइल बनाने का मकसद ये होता है कि आप उसके अंदर लिस्ट भी पास करवा देते हो और आप उसके अंदर रिसाइट आप उसके अंदर लिस्ट पास करवा देते हो और लिस्ट में जो आइटम है वो वह हर व्यू के ऊपर उसके जो डेटा होता है वो सेट करवा देते हो तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर आके आपको एक न्यू जावा क्लास फाइल बनानी पड़ेगी उसका नाम मैं रख देता हूँ माई अडाप्टर और इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा आपको रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इसके अंदर एक और भी सब क्लास भी बनाएंगे जो कि आपके व्यू के अंदर जो हमने कस्टम लेआउट बनाया था उसको इनिशलाइज़ करने के लिए यानी कि आईडी जैसे हम फाइंड व्यू बाई आईडी करते हैं इस तरह उसके व्यूज़ की आईडी डी इनिशलाइज़ करने के लिए यूज़ होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम कहेंगे माई अडोप्टर के अंदर एक क्लास बनानी है उसका नाम क्या है माई व्यू होल्डर ठीक है अब ये क्लास नहीं है इसलिए ये एरर uh, आ रहा है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और क्रिएट ए क्लास कर दें ये क्लास बन गई है दोबारा इधर क्लिक करें यहाँ पर क्लिक करके इम्प्लीमेंट मैथड करें ये तीनों के तीनों मैथड ही आपने इम्प्लीमेंट कर देने हैं अगेन यहाँ पर क्लिक करें ये बहुत ही इजी वे है यहाँ पर क्लिक करके आपने इसको कंस्ट्रक्टर दे देना एक्सटेंड करवा देना है देन यहाँ पर क्लिक करना है आपने क्लिक करके आपने सिंपल उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देना है ठीक है ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया ये नॉट नल ना आ रहा है इसको रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से ज़रूरत ही नहीं है इसकी ये हमारा बन गया अब हमने क्या करना है हमने इसको बताना कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमने रिसीव करनी है इसके अंदर इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी एक हमारे पास लिस्ट आएगी लिस्ट किस टाइप की है स्ट्रिंग टाइप की है उसका नाम है उसका नाम कोई भी रख सकते हैं यहाँ पर भी तो मैं उसको लैंग्वेज नाम रख देता हूँ इधर भी और एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट पास करवाना होता है आ, उसका नाम हम कॉन्टेक्स्ट ही रख देते हैं ठीक है इसके एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं आर्ट प्लस इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज होगा उसके अंदर आपने करना है कि कंस्ट्रक्टर बना देना है दोनों को सिलेक्ट करके इंटरव्यू मार दें तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया ठीक है थीके? अब आपने यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर माई व्यू होल्डर के अंदर यहाँ पर आपने इसको बताना है कि आप कौन सा जो कस्टम लेआउट बनाया है कौन से वाला आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम कहेंगे व्यू व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना के इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट फ्रॉम context dot inflate r dot layout dot uh, जो हमने ये आर वी इंडर स्कोर बनाया था वो वाला हमने यहाँ पर पास करवाना है उसके बाद हमने कहना है कि पेरेंट और साथ पर पास करवा देना है ठीक है ये यह यहाँ पर हो गया और इसको रिटर्न नल हो रहा है तो हमने न्यू यहाँ पर नल नहीं रिटर्न करना हम कहेंगे न्यू माई व्यू होल्डर के अंदर इस लेआउट को पास कर दो जो हमने अभी यहाँ इसके साथ अटैच किया है जब माई व्यू होल्डर के अंदर आ गया इसके ऊपर आप प्रेस करके यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर आके आप जैसे सिंपल uh, वहाँ पर नहीं करते थे फाइन व्यू बाई आई तो हम इसके लिए क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के ऊपर डेटा शो करवाना है ना ये वाला जो टेक्स्ट व्यू बनाया था तो उसके लिए आपने करना क्या है आपने सिंपल इस टेक्स्ट व्यू की आईडी पकड़नी है जैसे कि मैंने यहाँ पर दी हुई है आईडी डी ये वाली आईडी डी टी वी एंडर स्कोर लैंग्वेजेज़ ये आई आपने पकड़नी है और यहाँ पर करवाना है काम तो उसके लिए आपको करना पा क्या पड़े, क्या पड़ेगा यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू का जो है ना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको मैं कहता हूँ टी वी एंडर स्कोर वही वाली आई डी वाले इधर कह देता हूँ तो उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर यहाँ पर आके आप कहना है कि टी वी एंडर स्कोर लैंग्वेजेज इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट जो वहाँ पर लिखा था वही उसकी आईडी है ठीक है इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने बटन को भी यूज़ करना है तो बटन की भी आईडी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये अब गेट आइटम काउंट का एक फंक्शन इसके अंदर ओवराइड हुआ हुआ है गेट आइटम काउंट का फंक्शन करता है क्या है कि जितनी आपके पास डेटा होता है ना उतनी बार ये उसको रिपीट करता है पूरे के पूरे सेटअप को ताकि हर आइटम के ऊपर अलीदा आपका टेक्स्ट व्यू जो है ना वो टेक्स्ट uh, जो है ना वो सेट होता जाए या कोई भी डेटा है तो वो सेट होता जाए तो इसको हमने बताना है कि कितनी बार आपने जो है ना रिपीट करना है इस प्रोसेस को तो हम इसको कहेंगे कि जितनी लैंग्वेज और उसका साइज़ है ना हमारे पास अरे का उतनी बार आपने रिपीट करना है तो ये इतनी बार रिपीट होगा लैंग्वेज डॉट साइज़ का जितनी भी हम उसके अंदर लैंग्वेज भेजेंगे उतनी बार वो उसको रिपीट करेगा तो इस केस में हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवन है तो ये इलेवन टाइम जो है ना उसको रिपीट करेगा यहाँ पर आके हम हर लैंग्वेज को अलग-अलग सेट करवाएंगे उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें यहाँ पर हम लिखेंगे होल्डर डॉट टी वी अंडर स्कोर लैंग्वेज के ऊपर सेट करना है डॉट सेट टेक्स्ट ये हो गया ठीक है और अब हमने सेट क्या करना है टेक्स्ट कहाँ से आएगा जो हमने लिस्ट वहाँ से पास करवाई है ना इसके अंदर ये वाली लिस्ट व्यू लैंग्वेज की तो हम उसको जो है ना यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर से डेटा निकालने के लिए हमने क्या करना है लैंग्वेज डॉट गेट कौन से पोजीशन वाला चाहिए हमें तो यहाँ पर पोजीशन हमारे पास ऊपर फंक्शन के अंदर आ रही है कि कौन सी पोजीशन इस टाइम रिपीट हो रही है अगर फर्स्ट टाइम उस पर उसने रिपीट किया है तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन आएगी तो फर्स्ट वाला जो है ना वो उसके ऊपर सेट कर देगा अगर सेकंड टाइम रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर पोजिशन सेकेंड आएगी तो लिस्ट में से सेकेंड आइटम को उठाएगा और सेकेंड लिस्ट व्यू के ऊपर उसको प्लेस कर देगा तो यहाँ पर हम सिंपल पोजिशन जो है ना वो पास करवा देंगे ठीक है तो अब हम मेन क्लास के अंदर जाते हैं वहाँ पर जाके इस इस अडाप्टर को जो है ना इसके साथ अटैच करवाते हैं तो उसके साथ अटैच करवाने के लिए क्या करना है हमने <coughs> आपने अडाप्टर जो बनाया है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है माई अडाप्टर माई अडाप्टर इज़ इक्वल टू न्यू अडाप्टर अब ये देखें इसके अंदर एक कैर आ रहा है और वो कह रहा है कि इसके अंदर दो चीज़ें आपने पास करनी है एक लिस्ट पास करनी है और दूसरा कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो हमारे पास लिस्ट ये वाली पड़ी है लैंग की तो हम इस लैंग की लिस्ट को पास कर देंगे कॉम कॉन्टेक्ट के लिए आपको आप लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस ये दोनों चीज़ इसको पास हो गई उसके बाद हमने इसको बताना है कि रिसाकुलर व्यू के ऊपर इस अडाप्टर को सेट करना है लेकिन उससे पहले हमें यह करना होगा कि रिसाकुलर व्यू को हमने ग्रिड में दिखाना है या रिसाकुलर व्यू को हमने लिस्ट में दिखाना है ग्रिड में मीन दैट कि आपका डेटा जो है ना वो कॉलम्स के अंदर शो होता है मल्टीपल कॉलम्स और रो के अंदर और लिस्ट व्यू का मतलब क्या होता है कि आपका एक लिस्ट व्यू में जैसे शो हो रहा होता है वैसे ही सीधा वर्टिकली आपके सारे आइटम्स जो है ना शो हो रहे हैं तो हम दोनों करके देखते हैं तो हम सिंपल इसको कहेंगे सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट सबसे पहले हम लगाते हैं उसको और इसके अंदर कंटेक्सट पास करवा देते हैं मैं इसको दिस कह देता हूँ और फिर उसके बाद हम रिसाइकल व्यू के ऊपर अडाप्टर सेट करेंगे डॉट सेट अडाप्टर और अडाप्टर जो हमने बनाया है माई अडाप्टर का ऑब्जेक्ट वो हम यहाँ पर पॉज करवा देंगे तो इसको हम रन करके देखते हैं अभी ये देखें Uh, सारी लैंग्वेज़ को उसने एक एक करके यहाँ पर सेट कर दिया या देखिए फर्स्ट नंबर पर जावा तो यहाँ पर जावा आ रही है उसके बाद पी तो यहाँ पर पी आ रही है सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस और सब के साथ वही जो हमने कस्टम व्यू बनाया था एक कस्टम लेआउट जो बनाया था वो सब आइटम के साथ अलग-अलग उसने अटैच कर दिया उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने उसको बताया कि ट्वेल्व टाइम जो है ना उसने इसको रिपीट करना है इस प्रोसेस को तो उसने ट्वेल्व टाइम रिपीट किया और ट्वेल्व की ट्वेल्व स्ट्रिंग्स जो हमने बनाई थी उनके ऊपर उसने अलग अलग जो है ना वो सेट कर दिया डेटा सारा तो इसमें ये भी तो इस तरह शो हो रहा है लेकिन हम इसको ग्रेड व्यू में भी शो करवाएंगे ग्रेड व्यू में शो करवाने के लिए हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी लेआउट के अंदर वो ये हैं कि ये अभी इस तरह शो हो रहा है तो ये हमें इस तरह नहीं चाहिए बल्कि हम इसको बॉक्स के अंदर ले आते हैं तो इस बटन को फ़िलहाल के लिए ख़त्म बल्कि नहीं करता हूँ मैं ख़त्म इसको इसको लाइन पेरेंट है तो इसको मैं यहाँ से फॉलो कर देता हूँ ये देखें इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ और ये सेंट्रल वर्टिकल लाइन पेरेंट बॉटम है तो इसको भी यहाँ से मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ ये देखिए ठीक है इसको मैं बिलो कर देता हूँ अपने टेक्स्ट व्यू के इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है लेकिन इसको छोटा करते हैं फिफ्टी बाई फिफ्टी का बना लेते हैं बटन हम ठीक है इसका टेक्स्ट साइज़ जो है ना वो भी छोटा कर लेते हैं ताकि ज़रा अच्छा दिखाई दे इसको हम टेन कर लेते हैं फाइव कर लेते हैं ठीक है ये क्लिक हो रहा है ये पढ़ा है हमारा टेक्स्ट व्यू और इसकी वेट जो है ना पहले वो मैच पेरेंट थी तब तो हम मैच पेरेंट नहीं करेंगे बल्कि हम उसकी वेट्थ जो है ना वो ख़ुद कंट्रोल करेंगे 200 सौ डी पी ये बहुत ज़्यादा है इसको हम हंड्रेड डी पी कर देते हैं ठीक है ये हो गया अब इसको जो हमने सेंटर वर्टिकल किया हुआ था वो भी ख़त्म कर देते हैं और ये ख़त्म तो ये हमारा ऊपर चला गया इसको हम सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ठीक है अब ये एक बटन आएगा उसके साथ एक ऊपर टेक्स्ट भी आएगा लैंग्वेज और एक बटन एक लैंग्वेज और एक बटन बल्कि इस तरह करते हैं कि इसकी जो हाइट है ना हाइट भी ऐसे ही रहने दें बस ठीक है इस तरह ही हम कर लेंगे काम इसको तो उसके लिए आपको अब ये सिंपल हमारे पास डिज़ाइन चेंज हुआ है आपने जावा के अंदर आना है यहाँ पर आके जहाँ पर आपने मेन एक्टिविटी के अंदर आके जहाँ पर आपने ये सेट लेने लेआउट किया है ना आपने यहाँ पर सेट ग्रेड करना पड़ेगा सेट ग्रेड लेआउट सॉरी सेट लेआउट मैनेजर और यहाँ पर आके न्यू ग्रिड लेआउट यहाँ पर ग्रेड लेआउट के अंदर हमने क्या क्या पास करवाना है कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो वो कहेगा कि आपने कंटेक्सट पास करवाना है और स्पैन काउंट स्पैन काउंट मतलब ये कि कितने कॉलम्स में आप शो करवाना चाहते हैं तो हाँ मैं कहता हूँ थ्री लैंग्वेज जो है ना वो ईच कॉलम के अंदर शो होनी चाहिए तो इसको रन करके देखते हैं अब दोबारा ये देखें लेआउट तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा उसकी वजह यह है कि हमने उसको सही बनाया ही नहीं है आ, लेकिन आ, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ग्रिड लेआउट के अंदर शो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उसको सिंपल यहाँ पर आके आपने सेट लेआउट मैनेजर के अंदर ग्रिड लेआउट बताना है कितने उसके बाद आपने बताना है कि उसको कितने कॉलम्स के अंदर शो करवाना है मैंने थ्री बताया तो उसने थ्री कॉलम्स के अंदर एक लैंग्वेज को शो एक लैंग्वेज और एक कॉलम एक रो के अंदर तीन जो है ना वो लैंग्वेज शो करवा दिए हैं तो दोस्तों इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आगे इसके ज़रूर इस्तेमाल होना है हर प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन इस्तेमाल होता है रिसाइकुलर व्यू आज के लिए इतना ही अपने ख्याल रखिएगा अगर नए आप हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकॉन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो आपको मशूल हो सके अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़